करे राष्ट्र यज्ञ में आप शामिल होते हैं, मगर बंगाल में जब आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो भाइयों बहनों बंगाल को कम्युनिस्ट और ममता दीदी के आतंक से मुक्त कराने के एक यज्ञ के साथ भी आप जुड़ते हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को कहने आया हूं, एक सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। गौ तस्करी, कोयला तस्करी, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाना। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कट मनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव अभियानों से नहीं बनती। अभी मिथुन दा कह रहे थे ये जुर्म करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, वोट नहीं डालने देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को हमला करेंगे। कई कार्यकर्ता शहीद हुए, मगर आज मैं कहकर जाता हूं बंगाल की जनता और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, यहां एक बार फिर से सोनार बंगला बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। और 26 का चुनाव आने वाले सभी समय के चुनाव गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। और मित्रों जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की तब हमने देश भर में देखा है, हम देश भर में विस्तृत हुए। पहले सिर्फ उत्तर में थे, पश्चिम में गए, फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर गए और अब दक्षिण में भी पैर पसार रहे हैं, उड़ीसा भी पहुंच चुके हैं। हम जब जब सरकार बनाते हैं इसकी नींव हमारा सदस्यता अभियान और संगठन होता है, और इस सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हो रही है। हमने 1 करोड़ सदस्य बनाने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगा देना है। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरी पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना, हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखे। हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है, भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते। ममता दीदी, हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य है ये बंगाल को भारत माता की सीमाओं की अभेद सुरक्षित दीवार बनाना और बंगाल को भाजपा का गढ़ बनाना, वो हमारा उद्देश्य है। आप ये परिणाम देखकर कुछ समय तो जरूर खुश कर लीजिए, मगर हम जब चुनाव के मैदान में उतरेंगे नए खून के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सदस्यों के साथ और भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारे के साथ, हमें आप रोक नहीं पाओगी 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी।